knowledge about technology. You want to play games or बस अल्लाह से कुछ नहीं चाहिए. अल्लाह कहे कि मुझसे मांग जो मैं देता हूँ बस अल्लाह को बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए. दुनिया में कुछ नहीं चाहिए. That beginning, yes, मैं ये चाह रहा हूँ, ये आंसर चाहिए. Influence चाहिए. मैं सवाल ये है कि आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए. तुम चाहते हो कि लोग आपको एक्नॉलेज करें, आपसे इन्फ्लुएंस रिकॉग्निशन स्टेटस राइट. हैप्पीनेस कैसे मिलेगी आपको क्या चाहिए ज़िंदगी में. आसानी चाहिए. ठीक है. जो जो सोचते हैं ना गाड़ी में जाते हुए बस ये हो काश ये हो वो मैं पूछना चाहता हूँ. और उस कामयाबी को डिफाइन कर दें दुनिया की कामयाबी को. वेल्थ चाहिए. पैसा चाहिए. ठीक है. नींद चाहिए है ना. खुशी खुशी चाहिए. किस तरह मिलेगी खुशी. कुछ आइडिया है दिमाग में. चले जो भी कुछ चाहिए आपकी ज़िंदगी में अल्लाह सुब्हानहु व तआला कहते हैं शकर तुम लअज़ीद अन्न. तुम जिस चीज़ का शुक्र अदा करोगे मैं तुम्हें वो ज़्यादा दूँ. तो आपको पैसा चाहिए. यू वॉन्ट पैसा. स्टार्ट थैंकिंग अल्लाह सुब्हानहु व तआला फॉर व्हाट एवर यू हैव. वॉट एवर मनी यू हैव. वॉट एवर वेल्थ यू हैव. आज से शुक्र अदा करना शुरू कर दें कि अल्लाह आपने मुझे बहुत पैसा नहीं दिया. ठीक है. मुझे बहुत पैसा चाहिए. ये तो दिया है ना. मुझे ये तो मिला है ना. ये बहुत है. अल्लाह तेरा बहुत शुक्र है. कई लोग पैसे हैं इनको ये भी नहीं मिला. लेकिन शक्कर तुम लाजी थे. आपको लाइफ मिली नहीं चाहिए. छोटी गाड़ी तो है ना आपके घर में. दो गाड़ी है ना. अल्लाह से ये शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने मुझे दो गाड़ियाँ दी. लेकिन शक्कर तुम लाजी थे. शुक्र अदा करें कि अल्लाह आपको और देगा. दो नहीं चार गाड़ियाँ दे देगा. आपको क्या चाहिए. सक्सेस और आपने कहा स्टेटस. तो कुछ स्टेटस है आपकी ज़िंदगी में. कुछ औकात है आपकी. तो जो औकात है ना आपकी तो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू करें. अल्लाह कहें अल्लाह आपने मुझे इतनी औकात तो दी है. आपने इतना तो मुझे मेरा इन्फ्लुएंस रखा है कि मेरे लोग कुछ लोग मेरी बात सुन रहे हैं. कई लोग तो ऐसे हैं जिनको कोई पूछता भी नहीं है. अब घर में नौकर है तो अल्लाह ने आपको नौकर दिए तो एटलीस्ट वो तो आपकी बात सुन लेते हैं. तो अल्लाह का इस पर शुक्र अदा कर लें. इन शक्कर तो अजीज है. सो रिमेंबर दिस. Gratitude is directly proportional to abundance. Directly proportional का क्या मतलब होता है. जितना जो एक साइड जितनी बढ़ेगी दूसरी साइड भी उतनी बढ़ेगी. तो अगर आपका शुक्र बढ़ता रहेगा तो आपकी अबंडेंस आपको जो अल्लाह ने देना है वो भी बढ़ता रहेगा. आपको पैसा चाहिए आप शुक्र अदा कर रहे हैं उसका अल्लाह आपको पैसा भी बढ़ा रहे हैं. ये अल्लाह का वादा है. अल्लाह अपने वादे के पीछे नहीं है. शक्र तुम लाजी तन. तो ये याद रखना है कि आपने जो कहना है ज़िंदगी में अल्लाह के शुक्र अदा करना है. अल्लाह आपको देते हैं. लेकिन अल्लाह सुब्हान अल्लाह कुरान में ये भी कहते हैं बट फ्यू ऑफ माय सर्वेंट्स आर ग्रेटफुल. मेरे कुछ लोग हैं मेरे कुछ स्लेव्स हैं मेरे कुछ बंदे हैं जो मेरा शुक्र अदा करते हैं. बहुत कम लोग. हमारा प्रॉब्लम ये है. हम जनरली उम्मत का हमारा पाकिस्तानी नेशन का हम हर चीज़ में ना प्रॉब्लम देखते हैं. ये तो है ही ऐसा. मेरे साथ क्यों होता है मेरे साथ क्यों होता है मेरे साथ क्यों. ये जो एटीट्यूड है ना ये ग्रेटफुलनेस का एटीट्यूड नहीं है. ग्रेटिट्यूड का एटीट्यूड नहीं. और शैतान ने भी कहा था देन आई विल कम टू देम फ्रॉम बिफोर देम एंड फ्रॉम बिहाइंड देम एंड ऑन देयर राइट एंड ऑन देयर लेफ्ट एंड यू अल्लाह विल नॉट फाइंड मोस्ट ऑफ देम ग्रेटफुल टू यू. ये शैतान का भी वादा. शैतान ने कहा था मैं इसको आपका नाशुकरा बना के छोड़ूंगा. मैं इस इंसान को आपका नाशुकरा बना के छोड़ूंगा क्योंकि शैतान ने खुद भी नाशुकरी की थी. और उसने चाहा कि इंसान की नाशुकरा बने. एंड हूएवर इज ग्रेटफुल ट्रूली हिज ग्रेटिट्यूड इज फॉर द गुड ऑफ हिज ओन सेल्फ. हम अल्लाह पर कोई एहसान नहीं करते अल्लाह का शुक्र अदा करते. जब हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दिस अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दिस we are not doing any ihsan on Allah subhanahu wa ta'ala. We are doing ihsan on our own self. We are doing it for our own self. Whoever is ungrateful, he is ungrateful only for the loss of his own self.
जो ना शुक्र होगा उसके साथ क्या होगा, उससे वो नेमत छीन ली जाएगी। तो ये उसकी अपनी गलती होगी, ये उससे अपनी माय लॉर्ड इज रिच फ्री ऑफ ऑल वांट्स बाउंटीफुल। अल्लाह सुब्हान तआला इज अल्लाह सुब्हान तआला डजंट नीड यू, वी ऑल नीड अल्लाह सुब्हान तआला। अल्लाह सुब्हान तआला को हमें हमारी जरूरत नहीं है, हमें अल्लाह की जरूरत है। तो बेनिफिट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड से फायदा क्या होता है, नंबर वन इंक्रीज रिस्क, इससे हमारा रिस्क बढ़ता है। जब हम अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू करते हैं, अल्लाह आपने ये किया, और रिस्क व्हाट इज रिस्क, एवरी नेमत यू हैव, एवरी ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह सुब्हान तआला यू हैव इज रिस्क। योर बॉडी इज रिस्क, योर पेरेंट्स योर रिस्क, योर वेल्थ योर रिस्क, हर चीज जो आपको मिलती है ना वो रिस्क होती है। तो इट इंक्रीज रिस्क, अगर आप शुक्र अदा करना शुरू करेंगे आपका रिस्क बढ़ेगा। नंबर टू हेल्प विद स्लीपलेसनेस, जिन लोगों को रात को नींद नहीं आती है उनको बहुत हेल्प करता है। अगर वो रात को उठ के ये सोचना शुरू कर दें कि अल्लाह आपने मुझे ये दिया ये दिया ये दिया ये दिया, इवन बहुत छोटी सी चीज़ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 5 रुपया 10 रुपया काम करेंगे, अल्लाह आपने मुझे पाँव दिए, एनीथिंग यू हैव, आपके ऊपर छत है आप उसका शुक्र अदा करना शुरू कर दें। मेरे ऊपर छत तो है, कितने लोग ऐसे हैं जो सड़क पे सोते हैं, जो रोड पे सोते हैं, उनके ऊपर छत भी नहीं है। तो इससे आपको आपकी आपकी नींद अच्छी हो जाएगी। इम्प्रूव फिजिकल हेल्थ, इम्प्रूव साइकोलॉजिकल हेल्थ, रिड्यूस एंगर, आपका जो गुस्सा है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप 10 चीज़ों पर नाराज हो रहे हैं, अगर आप फोकस अपना चेंज कर लेंगे तो दूर हटा देंगे और जिस चीज़ पर आप फोकस कर रहे हैं वो एक्सपैंड हो जाएगी। वो कहते हैं कि जिस चीज़ पर आप ज़्यादा फोकस करते हैं वो एक्सपैंड हो जाएगी, वो बढ़ जाती है। आपके पास कौन सी गाड़ी है, स्विफ्ट, कौन सी कलर की, वाइट कलर की। आप रोज़ाना जब जा रहे होते हैं गाड़ी में, जिस स्विफ्ट में बैठे होते हैं आपके आगे पीछे स्विफ्ट नज़र आ जाती है, उसके अलावा कोई गाड़ी आपको याद है नजर आती है, सबसे ज़्यादा कौन सी गाड़ी नजर आती है, और जैसे आप स्विफ्ट देखते हैं तो आपके ध्यान में क्या आता है, बेसिकली होता है कि आपको अपनी जिस चीज़ पर आप फोकस होते हैं ना आपको वो चीज़ें ज़्यादा नजर आना चाहिए। मैं अपनी गाड़ी चला रहा होती हूँ लेकिन मेरी जैसी कोई गाड़ी नजर आती है ना मैं फौरन उसे देखना शुरू करता हूँ, ये मतलब मेरे ट्रिगर करता है कि ये मेरी गाड़ी है। तो और जब मैं जितनी ज़्यादा देखता हूँ वो मुझे मतलब सबके पास ये वाली गाड़ी है, क्यों, मेरा फोकस उस पर होता है। आप सिविक की बात करें, जरूरी नहीं है सिविक ज़्यादा, रिक्शे ज़्यादा यहाँ पे नहीं होते, यहाँ पे कौन सी क्या चीज़ होती है, मेहरान ज़्यादा है, लेकिन क्यों पे फोकस आपका सिविक पर है, तो आपको सिविक ज़्यादा नजर आ। सो जिस चीज़ पर आपका फोकस होता है वो एक्सपैंड होता है, वो आपको ज़्यादा नजर आ जाती है, वो ज़्यादा हो जाता है। तो ये कानून है कि आप जिस चीज़ पर फोकस करेंगे वो ज़्यादा हो जाता है। हेल्प्स विद सेल्फ एस्टीम एंड कॉन्फिडेंस, जब आपको आपको ये होता है कि अल्लाह ने जितनी भी ब्लेसिंग दी है अगर एक चीज़ ले भी ली है तो क्या फर्क होता है, उससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, एंड प्रोडक्टिविटी, इट बूस्ट योर प्रोडक्टिविटी, इट हेल्प्स यू इन योर वर्क। बजट बदला है राजक तो नहीं, अगर हम सब रोना शुरू हो जाते हैं बजट ये हो गया, हुकूमत ने ये कर दिया, टैक्सेस लगा दिए, ये कर दिया वो कर दिया, ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, मैं मानता हूँ सारे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन क्या प्रॉब्लम्स को चेंज कर सकते हैं, हम इन प्रॉब्लम्स को चेंज कर सकते हैं, जो प्रॉब्लम हमारी जिंदगी में है, ट्रैफिक है फॉर एग्जाम्पल, क्या हम चेंज कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बिल्कुल 100% बिल्कुल सही बात है, आपने जो बात की कि हम कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो मेरे हाथ में जो कुछ है मैं वो काम करूंगा और जो मेरे हाथ में नहीं है तो मैं किस पे छोड़ दूंगा, अल्लाह। तो बजट बदला है राजक ने, याद रखें। तो जिसने देना है, जिसने आपके लिए लिख दिया है वो आपको देगा, तो बस उसका शुक्र अदा करने शुरू कर देंगे, अल्लाह ठीक है ट्रैफिक है तो क्या होगा, 10 मिनट लेट हो जिंदगी तो खत्म नहीं होगी, जिंदगी तो खत्म नहीं होगी, क्या हुआ अगर ये चीज हो गई है तो क्या हुआ। तो हमें हमें अपना फोकस चेंज करने की जरूरत है,
सो ये एक स्टूडेंट है, उसने ये ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना शुरू किया, तो उसने अपनी ये स्टोरी लिखी थी. माई मॉम पास्ड अवे 2 years ago. सिंस देन आई कुड हार्डली स्लीप फॉर 4 hours स्ट्रेट. आई डेवलप सिवियर इंसोमनिया. 2 years later now, for the first time, I'm sleeping for 7 hours. It was only after I started practicing gratitude, right before I sleep. And be specific. जब कहते हैं ना, हर चीज़ में अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ सेट है. ये जो सब कुछ सेट है ना, हमारा हमारा जो कॉन्शियस माइंड है उसे नहीं ले रहे होते, हम बस मुंह से कह रहे होते हैं, लेकिन उसको सोच समझ के नहीं कह रहे होते कि मैं किस किस चीज़ों पर शुक्र अदा करूँ. तो बी स्पेसिफिक. जब आप शुक्र अदा करें, अल्लाह तेरा शुक्र है इस चीज का, इस चीज का, इस चीज का, इस चीज का, फिर उसको आप क्या अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें तो नहीं. लेकिन स्पेसिफिक जब आप रहेंगे ना, तो आपको रियलाइज होगा कि अल्लाह ने आपकी जिंदगी में इतनी सारी ब्लेसिंग दी और आप एक चीज पर रो रहे. क्या हुआ अगर आप एग्जाम में फेल हो, क्या फर्क पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्हम्दुलिल्लाह. अल्लाह आपने एग्जाम में फेल किया, कोई बात नहीं, लेकिन आपने मुझे मौका दिया सीखने का. Somebody didn't wake up today, but you did. Remember this. आज सुबह जब आप यहाँ पर आए हैं, आप सोच रहे क्या है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो आज सुबह नहीं उठते. That's enough reason to stop complaining, and that's enough to be thankful for. Never let your troubles blind you to your daily blessings. आपकी जो problems हैं जिंदगी, आपको अपनी blessings जो अल्लाह ने आपको नेमतें दी हैं, उसे अंधा ना करो, उसे दूर ना करो. आप उस पर शुक्र अदा करना शुरू करें, कहना मेरा शुक्र जी, ये एटलीस्ट मैं जिंदा तो हूँ. जी आपको क्या नजर आ रहे थे? क्या नजर आ रहा है सर? वो कुछ रूम के बीच में छोटे तो लगे हुए हैं, जी तो जिस चीज पे आपका फोकस होगा ना, वो चीज बढ़ती हुई नजर आएगी. आप फोकस करें कचरे पे, कचरे पे फोकस करें, कचरा ज्यादा नजर आ रहा है. आप दरख्त देखें, दरख्त पे फोकस करें, कचरा आपको कम नजर कम होता नजर आएगा. ऐसा है कि नहीं? तो जिंदगी में भी आप जिस चीज पे फोकस करेंगे वो चीज ज्यादा बढ़ती रहेगी. ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ बुराइयां ही बुराई हैं. कचरा है ठीक है, मानता हूँ ये प्रॉब्लम है, लेकिन खाली प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे एक ब्लेसिंग भी है, दरख्त पीछे घर भी है, ब्लेसिंग भी है. तो ये सारी चीजें ब्लेसिंग है, आपको आप अपना फोकस चेंज करने की जरूरत है. जी ये आपके लिए एक्टिविटी है, 10 things ऑफ इस्लामाबाद दैट मेक्स यू योर लाइफ बेटर. कोई शेयर करेगा? आपने शेयर करना शुरू करें. ब्यूटीफुल सीनरी, यस, लेस ट्रैफिक, लेस पोल्यूशन, हाँ, ग्रीनरी, यस, माउंटेन्स, नहीं कुछ और फिर बता दिए उसके अलावा. मच सेफर देन अदर सिटीज, मच सेफर देन अदर सिटीज, यस. Developed roads. Well maintained parks. तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सारी चीजें इस्लामाबाद. क्या हुआ अगर एक चीज नहीं है या दो चीजें नहीं है? कुछ लोग तो ऐसे किसी का पंखा भी नहीं है, वो गर्मी में काम करते हैं. अगर आपको अपने आप को बेहतर बनाने हैं, अगर आपने ये प्रैक्टिस करना है ग्रैटिट्यूड, तो एक जर्नल बना लें, जिसमें रोजाना सुबह उठकर स्पेसिफिक चीजों के बारे में लिखना शुरू करें. एटलीस्ट 3 specific चीजों के बारे में कि आज आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस, टुडे आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस, टुडे आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस, और उसको लिखना शुरू करें. और जब कभी प्रॉब्लम आए लाइफ में, उस जर्नल को खोलें और पढ़ना शुरू करें, एंड सी योर लाइफ गेटिंग चेंज. ये एक प्रॉब्लम में क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता, इतनी सारी चीजें मुझे अल्लाह रोजाना दे रहा था. स्टॉप, नॉलेज, मूव ऑन. स्टॉप, जो भी आपके आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स है, स्टॉप है, रुक जाए वहाँ पर, एंड देन एक्नॉलेज द ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला.
शुक्र अदा करें, बताएं अपने आप को मेरे पास ये कुछ है, ये सब कुछ है. When something good happens, no matter how small, take a moment and acknowledge it. The more you focus on good things, the more they start happening in your life. Rasulullah ﷺ ki hadith hai, aaja bari aamil moment. Moment ka maamla bada ajeeb hai. When something bad happens to him, he is patient. Sabar karta hai. Or when something good happens to him, what does he do? He is grateful. Allah ka shukr ada karta hai. Aur dono maamlaat mein khair hai. Moment ke dono maamlaat mein, agar problem bhi aati hai, mushkilat bhi aati hai, वो सबर करते हैं, ये भी उसके लिए खैर है, ये भी उसके लिए अजर का बाइस मिल रहा है, इसमें भी उसको रिवॉर्ड मिल रहा है. और अगर कोई जिंदगी में अच्छाइयां भी आती हैं, कहते हैं अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे सब कुछ दिया, इसमें भी उसके लिए खैर है, इसमें भी उसको रिवॉर्ड मिल रहा है. तो दोनों मामला में उसको रिवॉर्ड मिल रहा है. चेंजिंग योर स्टोरी, अपनी स्टोरी को चेंज करना शुरू कर दें, अपनी स्टोरी को फोकस चेंज करना शुरू कर दें. इसे हम एनएलपी में पढ़ा था, रीफ्रेमिंग योर माइंड. अगर इवन आपकी जिंदगी में नेगेटिव इवेंट भी हो रहा है, विच यू थिंक इज नेगेटिव, स्टार्ट टेकिंग पॉजिटिव आउट फ्रॉम दैट स्टोरी. ओके, मेरे साथ ये हुआ, लेकिन इसमें कुछ पॉजिटिव तो है, इसमें ये चीज लर्निंग है, ये चीज लर्निंग है, ये चीज लर्निंग है, वो सोचना शुरू कर देते. कोई बताएगा अपनी कोई प्रॉब्लम जिसको समझते हो प्रॉब्लम है उसके लिए, समथिंग विच मेक यू सैड. जब इंटरनेट अच्छा नहीं आता, अगर इंटरनेट अच्छा नहीं आ रहा, उसमें क्या अच्छा है? एक बुराई थी, नेगेटिव इवेंट था आपकी जिंदगी में, आपके लिए वो प्रॉब्लम था, लेकिन जैसे ही आपने अपना फोकस चेंज किया, आप उसमें से पॉजिटिव निकालने शुरू करेंगे और आप उसके लिए उसका शुक्र अदा करेंगे. चलो ये नहीं आ रहा, अल्हम्दुलिल्लाह ये तो मेरा ये बन रहा है. ये एक स्टोरी है. शी इज इन द ग्रॉसरी स्टोर डूइंग हर मंथली ग्रॉसरी एंड एक्सट्रीमली वरीड अबाउट द एक्सपेंसेस. She is single mother. As the cashier hit enter and the total amount flashed on the screen, my heart skipped a beat. The total was too big. Instantly, my heart began to sink, but then I recalled what you said in the session last night. If you focus on what you have, you will have more of it. I immediately shifted my attention from the total and focused on a few dollars that were still left in my bag. I thanked Allah genuinely that I'm able to pay the bills and not borrowing anything from anyone despite the fact that I was still worried about the future. As I handed over the cash to cashier, he returned me half the amount back. I asked him, why is he returning me the money when my bills is more? He was clearly surprised at this question and pointed towards the banner displayed on the front where it said, celebrating 10 years of XYZ shop, 50% off on all the items. I experienced so many emotions at the same time seeing that those banners were flashing everywhere in the stores, but I was so depressed and lost in my thoughts that I couldn't see them. I was happy. I was in a state of joy. I believed, I couldn't believe. All at the same time, I took my cash bag with my hands shivering and eyes all welled up. As I got back my car, I cried my heart out. I sought so much forgiveness from Allah to be always focusing on negative and the things that are not working in life. I realized that maybe all these troubles in my life are the results of me always thinking about negative. Subhanallah. Gratitude is so powerful, and I just witnessed the instant result of gratitude. You were right, sister, when you said that Allah's promise is true. It's only we who fail to follow and react to it. Focus. Aapka focus jis cheez pe hoga wo badhta jayega. Remember, contentment is equal to giving plus gratitude. शुक्र अदा करने का एक तरीका ये भी है कि आप लोगों को देना शुरू करें. जो चीज आपके पास है, आप वो चाहते हैं आपको ज्यादा मिले? कौन चाहता है वो ज्यादा मिले? आप सब चाहते हैं ना, जो चीज आपके पास है, पैसा है, गाड़ी है, दौलत है, घर है, सब कुछ, जो कुछ अल्लाह ने आपको दिए वो आप चाहते हैं ज्यादा मिले, आप दूसरों को देना शुरू करें. ये अल्लाह का कानून है. रिमेंबर कुरान क्या कहते हैं अबू बकर के बारे में, कि जब उन्होंने किसी के बारे में कहा कि मैं उसको माफ नहीं करूंगा क्योंकि उसने अबू बकर की बेटी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पर इल्जाम लगाया था, और इतना बड़ा इल्जाम कि कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता. और उनके अपने रिश्तेदार थे जिनको सपोर्ट करते थे, उनको वो फाइनेंशियली सपोर्ट करते थे, और उस बंदे ने इल्जाम लगाया था मैं अब उसको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करूंगा.
اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں کہا کہ تم نہیں چاہتے کہ تم اس کو معاف کرو, اللہ سے معاف کرو, اللہ کا قانون ہے تم جو چیز لوگوں کو دو گے اللہ تمہیں دے گا, تم فرگیونیس لوگوں کو دو گے اللہ تمہیں فرگیونیس دے گا, جو لوگوں پہ رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا, یعنی جو تم لوگوں پہ رحم کرنا شروع کر دو گے اللہ تم پر رحم کرے گا.